जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। पुनः आपका स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा योम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें क्या क्या चैप्टर होने वाले हैं आपके और कौन कौन से टॉपिक होने वाले हैं? तो बच्चों, इसमें आपका होगा एसी करंट, डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट होगा। इसमें हम लोग जो है सेमी सर्कल के बारे में पढ़ेंगे, अर्धचक्र जो अर्धचालक है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम, गेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, नॉर गेट, एंड गेट, आर गेट, सिंबल क्या होता है उसकी, जो ट्रूथ टेबल टेबल है, टेबल से भी क्वेश्चन अगर पूछ लिया आपसे तो वो भी बनना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करूँगा। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग दिष्ट धारा क्या होता है। सर जी, दिष्ट धारा के पहले समझते हैं। दिष्ट धारा मैंने होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का सिंबल ही क्या होता है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट एक रेखा होती है उसका ही सिंबल होता है डीसी का, मतलब डायरेक्ट करंट का। यह एक ऐसी युक्ति विद्युत धारा होती है, यह एक ऐसी विद्युत धारा होती है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्या होती है यह? एक ही दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। यह ऐसी धारा होती है जो एक ही दिशा में क्या होती है सर जी? प्रवाहित होती है। दिष्ट धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती। यह जो है समय जैसे चलता है वह उसी दिशा में चलती है, समय के साथ परिवर्तन नहीं होता। इसमें सेलों के समूहन में दिष्ट धारा प्रवाहित होती है। जब मैंने आपको सेलों का समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन बताया था बच्चों, तो मैंने आपको करवाया था कि इसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें डीसी धारा प्रवाहित होती है। अगर नहीं आपने किया होगा तो जाकर वह एक बार जरूर देखेगा। उसके बाद देखेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट। क्या होती है सर जी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में देखेंगे। जिस धारा की दिशा और मान एक निश्चित दर पर परिवर्तित होते हैं यह प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट कहलाते हैं। एसी करंट का सिंबल अगर आपसे पूछ लेगा तो यह सिंबल बनता है आपका एसी करंट का। क्या है? अल्टरनेटिंग करंट का। कुछ फैक्ट है, इसे आप लोग ध्यान रखना है। एसी के चक्र में धन अथवा ऋण दिशा में धारा अथवा उल्टता का मान अधिकतम मान इसका उच्चतम मान कहलाता है। इसे ईमैक्स से दर्शाते हैं और इसे आयाम भी कहते हैं। इसे आयाम भी कहते हैं और ईमैक्स भी से दर्शाया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए ज्या वक्रता रूप क्या दिया है यहाँ पर? ज्या वक्र रूप एसी के एक चक्र में धारा अथवा उल्टता के तत्कालिक मानों का औसत ही एक एसी का औसतन मान कहलाता है। देखिए यहाँ पर दिया है ईमैक्स बराबर क्या होता है 0.0 या ईएवी का मतलब होता है 0.637 ईमैक्स होता है। यह ध्यान रखना है आपको। किसी नियत मान की दिष्ट धारा नियत समय में जितना ऊष्मा पैदा करती है उससे उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा पैदा करने के लिए आवश्यक प्रत्यावर्ती धारा का मान उसका आरएमएस मान कहलाता है। आरएमएस मान कितना होता है सर जी? तो 0.707 ईमैक्स होता है। इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डायनमो की। सर डायनमो क्या होता है? एसी डायनमो। तो इसको सिंपली आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे सर? तो देखिए बेसिक सी ट्रिक है इसके लिए डायनमो। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने डायनमो। क्या लिख दिया सर जी? डायनमो लिखा। यहाँ पर यह दिख रहा है बच्चा, तो बस यही है इसकी ट्रिक। डायनमो जैसे ही आपको दिख जाएगा तो यह काम क्या करता है सर जी? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है डायनमो। और अगर मोटर पूछ लेगा आपसे, क्या पूछ लेगा सर जी? मोटर पूछ लेगा तो इसके अपोजिट क्या होता है? मोटर होता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? परिवर्तित करती है। यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल आप लोग क्या कर देंगे सर जी? हम लोग बिल्कुल इसको सही कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, अब तो याद रहेगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? डायनेमो मतलब डी मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो है आपका डायनेमो आपका जनरेटर है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम क्या लिखेंगे सर जी? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। एसी जनरेटर में सर्पी वलयों के स्थान पर विभक्त वलयों के प्रयोग किए जाए तो एसी जनरेटर डीसी जनरेटर में बदल जाता है। यह बाहरी पथ में दिष्ट धारा में भेजता है। यह क्या करता है? बाहरी जो है पथ में दिष्ट धारा में भेजता है। इसका मुख्य भाग कौन सा है सर जी? तो इसमें होता है आपका क्षेत्र
क्षेत्र चुंबक मतलब फील्ड मैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है आपका, एक होता है सर्पी वाले होता है, एक होता है ब्रूस। मतलब इसके कितने पार्ट होते हैं सर जी? इसके चार पार्ट होते हैं। यह कितने पार्ट में बटा होता है? तो यह फोर पार्ट में बटा होता है। अब देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या देखेंगे सर जी? इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखेंगे, उसमें हम लोग सेमी कंडक्टर के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? आपके अर्धचालक के बारे में देखेंगे। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन संरचना इस प्रकार होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और कहीं इलेक्ट्रॉन होल्स बन जाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन होल्स, और जो आप सोच रहे होंगे सर जी कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। चलिए, वह क्या कहलाते सर जी? तो वह कहलाते अर्धचालक। किसी विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे ही मुख्य पदार्थ है। अगर आपसे सेमीकंडक्टर कौन कौन से पूछ ले, तो आप लोग जर्मेनियम और सिलिकॉन जरूर से लगाइएगा, अगर आपसे एग्जाम हॉल में यह क्वेश्चन मिले तो। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता क्या होगी सर जी? बढ़ जाएगी। अगर आप लोग चालकता, अर्धचालक की चालकता, जो उसमें ताप बढ़ा देंगे, तो उसकी चालकता क्या होगी सर? इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बढ़ जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट जानकारी। तो देखिए, निजी तथा बाह्य अर्धचालक, क्या सर जी? निजी तथा बाह्य अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक को निजी अर्धचालक तथा अपद्रव्य युक्त अर्धचालक बाह्य अर्धचालक कहा जाता है। अब द्रव्य मिलाए जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब देखिए, अब द्रव्य का मतलब आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अब द्रव्य मतलब होता है अशुद्धि। क्या होता है सर जी? अशुद्धि। तो जिसमें अशुद्धि, मतलब जिनमें अशुद्धि मिलाएंगे, उसे क्या कहलाएंगे? डोपिंग कहलाएंगे। अगर वहां पर आप लोग अशुद्धि मिलाते हैं कुछ, तो वह प्रक्रिया को क्या कहेंगे सर जी? डोपिंग कहेंगे। बाह्य अर्धचालक को दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीएन प्रकार का और एक होता है आपका पी प्रकार का। दो प्रकार के आपके क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर होते हैं। तो एन प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम लोग समझते हैं। क्या होता है एन प्रकार का सेमीकंडक्टर? देखिए, ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है, एन प्रकार के क्या कहलाते हैं सर जी? एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक, मतलब कौन सा शुद्ध अर्धचालक? एक है आपका जर्मेनियम में 5 से जी अपद्रव्य जैसे कि आर्सेनिक मिलाया जाता है, तो इस प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त है? उसे सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। याद रखने वाली बात यह है कि पंचसंयोजी अपद्रव्य परमाणु का दाता मतलब डोनर तथा त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु ग्राही कहलाता है। अगर यहाँ पर 5 संयोजी डोपिंग मिलाएंगे, तो उसे क्या कहलाएंगे सर जी? तो उसे कहलाएंगे हम लोग दाता कहलाएंगे, डोनर कहलाएंगे। अगर उसमें त्रिसंयोजी अपद्रव्य मिलाएंगे, मतलब डोपिंग करेंगे उसकी, तो उसे क्या कहलाएंगे? एक्सेप्टर कहलाएंगे। मतलब 5 का याद रखना आपको, क्या याद रखना है आपको? डोनर याद रखना है, और 3 का क्या याद रखना है? एक्सेप्टर याद करना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बच्चों, इस पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कल वाली क्लास में इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। थ्योरी आज पढ़ा रहे हैं हम, इसको आपको ध्यानपूर्वक लर्न करना है। चलिए, पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं? तो देखिए, पी प्रकार के सेमीकंडक्टर, इन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों मतलब होल्स की गति के कारण होता है। किसके कारण होता है सर जी? होल्स की गति के कारण होता है। शुद्ध अर्धचालक मतलब कौन से? जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव्य एल्यूमिनियम मिलाने से इसमें अर्धचालक प्राप्त होता है। इसमें क्या मिलाएंगे सर जी? इसमें हम लोग मिलाएंगे एल्यूमिनियम मिलाएंगे, तो क्या होगा सर जी? एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो यह जो होगा आपको क्या होगा? अर्धचालक प्राप्त होगा। इसमें प्रवाह मुख्य रूप से कोटरों मतलब होल्स द्वारा होता है। किसमें होता है सर जी? इसमें होल्स के द्वारा क्या होता है? प्रवाह होता है। संधि मतलब जंक्शन डायोड क्या होता है? तो जंक्शन डायोड को थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जब पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ दिया जाता है, तो इस तरह प्राप्त युक्ति को क्या कहते सर जी? डोपिंग जंक्शन डायोड कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेशन और सूचन आदि में किया जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक एक एग्जांपल जो हमारे द्वारा दिया जा रहा है बहुत ही शानदार है, और आपको इसे लर्न करना है। डायोड वाल्व क्या होता है? तो देखते हैं डायोड वाल्व क्या होता है। सन 1904 में वैज्ञानिक फ्लेमिंग द्वारा नियत एक ऐसी नियुक्ति नलिका है जिसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रोड तंतु और प्लेट, कौन कौन से सर जी? तंतु और प्लेट होते हैं। तंतु टंगस्टन का एक पतला तार होता है जिस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा होता है। आपको ध्यान रखना है, टंगस्टन में एक पतला क्या होता है? तार होता है, जिसमें बेरियम ऑक्साइड के लेप लगाया जाता है। इस बैटरी में गर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो धनावेशित प्लेट की ओर चलते हैं।
डायोड वाल्व में रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रयुक्त करते हैं, अर्थात इसके द्वारा एसी को दिष्ट धारा में बदला जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, तो वह काम है सर इसका एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे सर जी? ट्रायोड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रायोड। डायोड तो हमने पढ़ लिया, यह होता है डायोड और एक ट्रायोड होता है, तो ट्रायोड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। यह 3 इलेक्ट्रॉन प्लेट ग्रिड और तंतु वाले एक निर्वात नलिका है, जिसका निर्माण जो है 1907 में अमेरिकी वैज्ञानिक के डी फॉरेस्ट ने किया था। सभी को नोट डाउन करना है बच्चों, उसके बाद खुद से एक बार पढ़ना है, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। चलिए, ट्रायोड वाल्व की प्रावर्धिक मतलब एम्पलीफायर, दोलित्र मतलब ऑसिलेटर, प्रेरित एवं सूचकांक की तरह ही प्रयोग में किया जाता है। उसके बाद पढ़ने वाले हम लोग ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ेंगे सर जी? ट्रांजिस्टर। हमने जो है यहाँ पर सेमीकंडक्टर पी प्रकार के और एन प्रकार के दोनों देख लिए हमने, क्या होते हैं, आपको होल से क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया है, उसको ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। तो सर जी ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो ट्रांजिस्टर यह पी तथा मतलब पी और एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युति होती है जो ट्रायोड वालों के स्थान पर प्रयोग की जाती है। किसके स्थान पर प्रयोग की जाती है सर जी? आपका ट्रायोड के स्थान पर की जाती है। तो इसमें होता है आपका पी एन पी एक होता है और एन पी एन, कौन कौन सा सर जी? पी एन पी एक होता है और आपका एन पी एन होता है। कैसे लर्न करना है वह सब कुछ हम लोग अभी बता देते हैं, आपको कभी भूल नहीं पाएंगे आप लोग बच्चों। इसमें एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को पी टाइप अर्धचालक के क्रिस्टलों के बीच में दबाकर रखी जाती है, तो पतली परत को आधार तथा बाह्य और दाह्य के क्रिस्टलों को क्रमशः उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। इसमें जो होता है आपका एमिटर एक होता है, बेस होता है आपका कलेक्टर, यह ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है? इसको इंग्लिश में ही लर्न करना। एक होता है सर जी बेस, एक होता है एमिटर और एक होता है कलेक्टर। इसमें जो धारा की उत्पत्ति होती है होल्स के रूप में होती है। चलिए एक डायग्राम देख लीजिए, इस तरीके से आपका पी एन एन पी ट्रांजिस्टर बना हुआ है, ठीक है बच्चों? इस तरीके से आपका पी एन पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर एन, यहाँ पर पी, तो कैसे दर्शाएंगे सर जी? तो इसको देखिए, एरो देखिए बच्चे लोग, ठीक है बच्चों? यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिए, एरो इस तरफ आ रहा है, मतलब जो है आपका इमीटर से जो है जो निकल रहा है बेस पर जा रहा है। क्या होगा यहाँ पर देखिए, इस तरीके से किसमें सर जी? आपका पी एन पी में, किसमें? पी एन पी, पी एन पी देखिए ये है, और सिर्फ एरो को देखना है आपको, सिंबल दोनों चित्र वैसे ही बनने वाले हैं पी एन पी और एन पी एन का, सिर्फ आपको सिंबल को ध्यान रखना है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सिंबल इस तरह आ रहा है, मतलब क्या, इमीटर से क्या हो रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, और जो आप लोग पी एन पी एन पी एन देखेंगे, एन पी एन में क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसमें देखिए अब याद करेंगे हम एनपीएन, एनपीएम ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसमें पी टाइप अर्धचालकों की एक पतली परत जो एन टाइप अर्धचालकों के क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखी जाती है, इसमें धारक जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। अब यह एनपीएन है बच्चों, तो एनपीएन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्या होगा? एनपीएन, एनपीएन प्रकार का है, तो इसमें देखिए एरो क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा। ये क्या है सर? इमिटर, यह है कलेक्टर और ये बेस है। इसमें क्या होता था आपका पीएनपी में, क्या होता था? अंदर की ओर एरो आता था, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अंदर की ओर आता था, और क्या होगा एनपीएन में, क्या होता है सर जी? बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन जाता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यह क्वेश्चन इससे बनते हैं। चलिए, 1940 में जॉन बेरडी बेरडीन वाटर ब्रिट ने विलियम्स शोकली जैसे वैज्ञानिकों ने जैसे अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने पहला अर्धचालक डायोड बनाया। इसने और इन्हीं टीम को 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। अगर आपने पूछ लेगा बार्डिन और सोकले भी यहाँ पर आता है, तो आप लोग बिल्कुल सही, बहुत सी बुकों में आपको बार्डिन और सोकले दिया रहेगा, पर सन बिल्कुल सही रहेगा। कब दिया गया? 1947 जो है, इसमें ट्रांजिस्टर का इन्होंने आविष्कार किया था। ट्रांजिस्टर के लक्षण यह 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उभयनिष्ठी आकार का विन्यास, उभयनिष्ठी उत्सर्जक विन्यास, और उभयनिष्ठी विन्यास संग्राहक के रूप में होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अब आप लोग पढ़ने वाले हैं क्या? लॉजिकल गेट। तो सर जी लॉजिकल गेट क्या होते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। जो आपका एन प्रकार का होता है एनपी, आपका एन प्रकार का होता है, आर प्रकार का होता है, चलिए सभी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। देखिए गेट के बारे में होता क्या है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें धारा तथा विभव समय के साथ निरंतर परिवर्तित होते हैं, क्या कहलाते हैं? आपका लॉजिकल लॉजिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कहलाते हैं। यह ध्यान रखना है, जो इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के बीच तार्किक
संबंध बनाते हैं। देखिए और गेट क्या होता है सर जी, तो और गेट का ओनली आपको सिंबॉल याद रखना है, ठीक है बच्चों। सिंबॉल देखिए इस तरीके से होता है इसका, इस तरीके से इसका सिंबल होता है, आपको इसे ध्यानपूर्वक लर्न करना है। देखिए अगर आप लोग इनपुट जीरो जीरो देंगे तो जीरो प्राप्त होगा, वन देंगे तो वन प्राप्त होगा। एक तरफ देखिए इस तरीके से इसका टेबल होता है बच्चों, यहाँ पर अगर आप लोग देंगे इसको इनपुट तो देखिए धारा जो है अलग वे से बहना चालू हो जाएंगी। इस तरीके से जो है इसे आप लोग देखते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक लर्न करना है। ऐसी टेबल अपने कॉपी में बना लीजिए, इसमें सिर्फ आपको क्या, आपको ओनली जो है इसका डायग्राम पूछ सकता है आपको एग्जाम में। चलिए उसके बाद क्या सर जी इम्पोर्टेंट, तो उसके बाद देख लेते क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। क्या सर जी एंड गेट, तो सिंबल सिर्फ देखना है आपको, एंड मतलब देखिए डी ऐसा बनता है बच्चों, तो बस हो गया सर जी डी, ये तो हो गया आपका क्या कहलाएगा, ये आपका एंड गेट कहलाएगा। जीरो जीरो इनपुट देंगे तो जीरो, अगर एक भी इनपुट होगा चालू तो जो है धारा प्रवाहित नहीं होगी इसमें। नॉट गेट का सिंबल तो बहुत ही सरल है बच्चों, नॉट गेट सिंपल ही होता है, नॉट गेट इस तरीके से नॉट गेट होता है, यह आपको ध्यान रखना है, इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा आपको। उसके बाद नैंड गेट, नैंड गेट जो है आपका दो एंड गेट और आपका नॉट गेट से नैंड गेट मिलकर बना है इसमें, क्योंकि दो गेट लगे हुए हैं, देख रहे बच्चों आप लोग, इसमें दो गेट लग के दो गेट जो है मिलकर बना हुआ है दो गेट से। उसके बाद नॉर गेट, और गेट और गेट से मिलकर बना, इसलिए यहाँ पर दो गेट लगे हैं। तो ये इन दोनों को भी आपको लर्न करना है, ओनली आपको सिंबल यह पूछ सकता है। तो यह थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास बच्चों, कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट्स करके जरूर से बताइएगा। क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग जो है इसे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जरूर शेयर कीजिएगा। देन उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन जो है कल करने वाले हैं, तो आज इसको आप लोग पूरा रिवीजन करेंगे, कॉपी में नोट डाउन करेंगे, उसके बाद कल सेम टाइम 8 बजे ही मैं आपके सामने इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कल वाली क्लास में हम लोग इसके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जो है आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। बचे हुए आपके पास कितने टॉपिक बचेंगे सर जी, ये 23rd नंबर का टॉपिक था, दो टॉपिक और बचे हुए बच्चों, दो टॉपिक कराने के बाद आपका फिजिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जय हिंद बच्चों, फिर मिलेगा, तब तक के लिए ये क्लास में रिवीजन करते रहिएगा।